बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इनिशियल इंटरव्यू हो रहे हैं PM 154 लॉन्ग कोर्स में, इसमें सबसे पहले आपको दो फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। मैं बेसिकली इसको टू फॉर्म ही कहता हूँ, क्योंकि एक तो बायोडाटा फॉर्म होता है और एक साइक का फॉर्म होता है। इकट्ठे दिए जाते हैं, बाज़ात किसी को मेडिकल वाले दिन मिल जाते हैं, और ज़्यादातर कैंडिडेट्स जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब उनको ये दिए जाते हैं। तो एक बात मेरी जहन में रख ले, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि ये फॉर्म आपने कहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने तीन तीन फोटोकॉपीज करवा लेनी, और इसको तकरीबन तीन दफ़ा आपने अच्छी अच्छी वोकैबुलरी के वर्ड जिसको अच्छे से प्रोनाउंस कर सके इसको आपने फिल करना है, ताकि प्रैक्टिस कर सके। और ये कितना इंपॉर्टेंट है इसकी बात मैं आपको बता दूं कि जो इनिशियल इंटरव्यू के अंदर 90% जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी ही बायोडाटा और साइक फॉर्म में से पूछे जा रहे हैं। यानी कि ये एक तरह की आपकी की है इनिशियल इंटरव्यू को पास करने के लिए फॉर्म। अगर आपने अभी से फिल कर लिया, अभी से इनको अच्छे से याद कर लिया, और चीज़ें वो लिखनी है जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करनी है। मैं आपको इसको फिल करके भी आपको दिखाऊंगा, ताकि किसी किस्म का इशू ना बने इसको फिल करते हुए, और आपने अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक इसको फिल करना है। और दूसरी चीज़, जो आपका ISSB का इंटरव्यू होगा ना, उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन ही होंगे। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप भी है और लास्ट स्टेप भी है। अगर इसको अच्छे से कर लिया तो ISSB तक आपको इंटरव्यू और डिफरेंट चीज़ों के अंदर कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी तो मे बी इनिशियल इंटरव्यू से ही आपको फेल कर दिया जाए। तो चलते हैं जी वेबसाइट पर और इसको डाउनलोड करते हैं, और फिर यहाँ पर इसको फिल करना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें, अगर आपने PMA 154 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो हम आपको कुछ इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ ऐसे जिसमें इंग्लिश और उर्दू और कुछ डिफरेंट जो है ना डिफिकल्ट वर्ड्स भी लिखे होंगे, ताकि आपकी वोकैब अच्छी हो जाए। और आपका लाइव इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा गूगल मीट के थ्रू। उसके बाद अगर हम फी की बात करें, सिर्फ 950 रुपये इसकी फ़ी है, जिसमें आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा और आपका जो इंटरव्यू है वो भी कंडक्ट होगा। और इसके अलावा आपसे जो बायोडाटा फॉर्म है वो लिख के चेक भी किया जाएगा, ताकि आपको बताया जाए कि ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती हैं या नहीं करती। अगर आपने ये कोर्स बाय करना है तो हमारा ये व्हाट्सअप का नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले आपने किसी भी सर्च ब्राउजर पर आ जाना, और वहाँ पर लिखना progeniusstudents.com। लिखने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, और इस पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे मैं प्रोजीनियस स्टूडेंट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें नज़र आती हैं। ये पाक आर्मी पे आपने टैप करना, यहाँ पर जहाँ पर कर्सर है, और नीचे सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा PMA लॉन्ग कोर्स। PMA लॉन्ग कोर्स में आने के बाद यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पर है PM 154 PMA लॉन्ग कोर्स बायोडाटा फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो थोड़ा सा एक आर्टिकल लिखा हुआ छोटा सा वो है, और यहाँ पर ये ब्लू कलर में आ रहा है आपके सामने 154 PMA लॉन्ग कोर्स बायोडाटा फॉर्म, यहाँ पर ये वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो है ना वो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो चाहे मोबाइल या PC से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद इस तरह का आपके पास नज़र आएगा, और इसको आपने फोटोकॉपी इनकी करवा लेनी है। ये कोर्स नेम वगैरह आपका CNSA और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई, ये जो सेक्शन नंबर 30 है जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको जो ना फिल करना पेड क्लासेस के अंदर सिखाया जाएगा। फिर चेक किया जाएगा कि क्या आपकी पर्सनैलिटी के साथ ये मैच करता है, ये जो आपने ऊपर चीज़ें लिखी हैं उससे किसी तरह ये मैच करता है आपके मेरिट और डीमेरिट से, चेक करके आपको वापस किया जाएगा। और इसके अलावा आपका मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा, अगर आपको जो है ना वो पेड कोर्स वगैरह ज्वाइन करना, तो उसका मैंने आपको बता दिया था। बाकी कोई भी क्वेरी है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।